अरे रुको रुको, अब आ गए हो तो वीडियो देख कर ही चले जाओ। मुझे पता है तुम मुझे नहीं पहचानते, पर धीरे धीरे जान जाओगे। सो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग। सो जैसा कि मैंने बताया, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो शायद मैं उतना इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग नहीं बन पाऊँ। कोशिश पूरी करूँगा लेकिन शायद ना नहीं हो पाए, क्योंकि भाई बात ये आ जाती है कि कैमरा और ट्राइपॉड उठा के कोई बंदा केशे नाइस चेक नहीं बन जाता। उसे सीखना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। फिलहाल के लिए आपका भाई वही कर रहा है। सो बस तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत। एक व्लॉग बनाने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी और स्टोरी। ये तीन चीज़ मिलकर एक सिंपल सा व्लॉग बनाती है। हार्ड वर्क और डेडिकेशन मिलकर इस व्लॉग को एक अच्छा व्लॉग बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कॉन्फिडेंस की। तो मुझे लगता है आपके भाई में कॉन्फिडेंस है, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो मैं व्लॉगिंग नहीं करता, यूट्यूब पर नहीं आता। और व्लॉगिंग बेसिकली ऐसा फील्ड होता है जिसमें मुझे बेसिकली पब्लिक के सामने ज़्यादातर टाइम जाना पड़ेगा, पब्लिक में व्लॉग करना पड़ेगा। तो अगर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होता, मैं ये चूज़ नहीं करता। और बेसिकली मैं देख सकते हो, मैं रोड पे आके अपना फर्स्ट व्लॉग बना रहा हूँ, तो तुम्हें समझ सकते हो कि कॉन्फिडेंस है। सेकेंड बात करते हैं क्रिएटिविटी की। क्रिएटिविटी की बात आई है, थोड़ा क्रिएटिव भी बनना पड़ेगा। सो अभी हम लोग चेक करते हैं कि आपके भाई में कितनी क्रिएटिविटी है। सो अभी हम लोग को ये चेक करना है कि आपके भाई में क्रिएटिविटी है कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए मैं ये क्लिप आपको दिखा रहा हूँ। अब क्रिएटिविटी क्या होती है? क्रिएटिविटी होती है कि बंदा कितना क्रिएटिव है, वो एक सिंपल सी चीज़ को इंटरेस्टिंग वे में किस तरह से प्रेजेंट कर सकता है। और वही मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ प्रेजेंट कर। अब वो डिसाइड आपको करना है कि ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो आपको क्रिएटिव लगती है कि नहीं। जो सिंपल सी बात मैंने बताई जिसका कोई भी बेसिकली मोटिव नहीं था, वो आपको इंटरेस्टिंग लगी क्या नहीं। अब बस इतनी क्रिएटिविटी मुझे लगता है काफ़ी है ना, काफ़ी है। सो जो थोड़ी सी मैंने क्रिएटिविटी का नमूना पेश किया, सो आई थिंक हाल फिलहाल के लिए उतनी क्रिएटिविटी काफ़ी है, आगे जाके थोड़ी और इम्प्रूवमेंट होगी। अब तीसरी बात आती है स्टोरी। स्टोरी के अंदर आते हैं दो सब टॉपिक, स्टोरी और स्टोरी टेलिंग। स्टोरी क्या होता है? मेरा मोटिव ऑफ द व्लॉग, मैं व्लॉग क्यों बना रहा हूँ, मैं फला फला चीज़ खरीद रहा हूँ, फला फला जगह पे जा रहा हूँ या फला फला चीज़ कर रहा हूँ। लेकिन आज अपना फर्स्ट व्लॉग है तो अपन कहीं जा नहीं रहे, कुछ खरीद नहीं रहे, कोई मार्केट में नहीं गए, लेकिन फिर भी अपने पास स्टोरी है। और वो स्टोरी क्या है कि ये है मेरा फर्स्ट व्लॉग, माय फर्स्ट व्लॉग इज़ माय स्टोरी इन दिस वीडियो। तो भाई अब बात करते हैं स्टोरी टेलिंग की। तो स्टार्टिंग 0.0 जो होते हैं अभी तक और आगे जो भी मतलब हम लोग बोलेंगे तब तक के, ये होती है स्टोरी टेलिंग के। मैं किस तरह से आप बोल रहा हूँ, किस तरह से पेश कर, आपको इंटरेस्टिंग लगी वो आपको जज करना है। क्रिएटिविटी और स्टोरी टेलिंग वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे को जज करना है। अब मैं थोड़ा अपना स्पेसिफिकेशन जो बता जाता हूँ, मेरे जो मैं इक्विपमेंट्स यूज़ करता हूँ। अब इक्विपमेंट्स के नाम पर मेरे पास बस एक ट्राईपॉड है, एक मोबाइल से मैं ब्लॉगिंग करता हूँ जिसका नाम है रेडमी 3S मिलने वाला। जी हाँ भाई, आपका SSC का एग्ज़ाम 10th स्टैंड ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मुझे नया मोबाइल मिल जाएगा, तब थोड़ा जो वीडियो क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी। और तब आगे जाके हम लोग माइक भी ले लेंगे, क्योंकि डायरेक्टली मैं माइक नहीं लूँगा, सपोर्ट थोड़ा मिलेगा तभी, मतलब कुछ इक्विपमेंट्स, माइक, गोरिल्ला पॉड। अब तुम्हारी मर्ज़ी, तुम सब्सक्राइब करो नहीं करो, क्योंकि पहला ब्लॉग है। एक काम कर दो, बस चैनल का नाम याद रख लेना, आगे जाके जब थोड़े टाइम बाद मेरे चैनल पर फिर से आना, नए ब्लॉग्स आएंगे तब आके देखना। अगर नए ब्लॉग्स अच्छे लगेंगे तभी सब्सक्राइब करना, क्योंकि अभी पहले सेकेंड ब्लॉग्स में मालूम पड़ता है कि बंदा कितना क्रिएटिव है, कितना अच्छा बनाता है। तो तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हें सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करो, लाइक करना है लाइक करो। फर्स्ट व्लॉग तो बेसिकली ऐसा कुछ होता नहीं है इंटरेस्टिंग, लेकिन जो भी है वो यही था। अब नेक्स्ट व्लॉग्स में मिलेंगे, ठीक है, बस।